जयसिंह नगर बस स्टैंड में नियम विरुद्ध संचालित हो रहा शराब का ठेका। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जयसिंह नगर में शासन प्रशासन के नियमों को ताक में रखकर शराब दुकान का संचालन हो रहा है। साथ ही अवैध रूप से उक्त दुकान से गांव गांव शराब भेजी जा रही है। आपको बता दें कि जयसिंह नगर बस स्टैंड में स्थित मंदिर से 10 कदम दूर एवं नगर पालिका से 15 कदम दूर अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित हो रही है, जो नियम विरुद्ध है। इसका लोगों द्वारा कई बार विरोध भी किया गया। वहीं पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्योहारी दौरे के दौरान उनके द्वारा ये कहा गया था कि नगर से 100 मीटर की दूरी में शराब की दुकान संचालित हो, लेकिन जयसिंह नगर में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की जमकर अवहेलना हो रही है। वहीं लोग उक्त दुकान से शराब लेते हैं और वही शराब भी पीते हैं और शराब के नशे में बस के यात्री से बदमीजी भी करते हैं, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और देर रात तक भी नियम के विपरीत शराब दुकान का संचालन किया जाता है। दिन के उजाले व रात के अंधेरे में गांव के आसपास के ढाबा में भी शराब दुकान के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से शराब की सप्लाई कराई जाती है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होती। जयसिंह नगरवासियों ने शासन प्रशासन से उक्त दुकान से गांव गांव में हो रही अवैध शराब की सप्लाई पर कार्यवाही कर दुकान को नियमानुसार स्थानांतरण करने की मांग की है।